वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल और डीजल 10 रुपए लीटर सस्ता करने का ऐलान। बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती कर दी। अगले बजट तक पेट्रोल डीजल और बिजली महंगी नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कौम से खिताब में अहम ऐलानात। कहा, जिस वक्त हमें हुकूमत मिली मुल्क तारीखी मुआशी बहरान का शिकार था। शोर मचाया गया कि बहुत महंगाई हो गई है। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर ने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए। ऑपोजिशन बताए उनके पास तेल की महंगी कीमत का क्या हल है। कहा कि फेक न्यूज के जरिए मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। जिस वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक मुल्क का कोई कानून नहीं तोड़ा उसको आजादी सहाफत से कोई मसला नहीं। अगर पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं तो आज खिताब में असेंबलियां तोड़ दें, इंतखाबात का ऐलान करें, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म को खुला चैलेंज। हैदराबाद में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में कहा, बुजदिल इंतखाबात से भाग रहे हैं, खुद असेंबलियां तोड़ दें, खुद मुस्ताफी हो जाएं, खुद घर चले जाएं, वरना जियाले आ रहे हैं, जमहूरी हमला करेंगे, इमरान खान को घर भेजेंगे। और 24 साल बाद पाकिस्तान आने वाली ऑस्ट्रेलवी टीम का दौरा पाकिस्तान दुश्मनों को खटकने लगा। भारत से ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों के खानदान को धमकियां दी जाने लगीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम को धमकियां में पैगाम दिए गए।